गाइस, बात चाहे हाथ चलाने की हो या दिमाग चलाने की, एमएस धोनी की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। मतलब कि एक गलती और सामने वाले खिलाड़ी का खेल खत्म। और इसी से जुड़ी एक दिलचस्प घटना भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे एक वनडे मैच की है, जब भारत की ओर से जडेजा बॉलिंग कर रहे थे और क्रीज पर थे श्रीलंकाई बल्लेबाज रंगना हेरात। तभी जडेजा एक वाइड बॉल फेंकते हैं और बॉल धोनी के ग्लव्स में पहुंच जाती है और तब धोनी स्टंपिंग करने की एक्टिंग करते हैं, बावजूद इसके कि रंगना हेरात पहले से ही क्रीज में मौजूद हैं। लेकिन मास्टरमाइंड धोनी को पता था कि हेरात अपना बैलेंस खो बैठेंगे और क्रीज से बाहर निकल जाएंगे। अगले ही पल हेरात अपना बैलेंस खो बैठते हैं और उनका पैर ऊपर उठ जाता है। फिर क्या था, अपने तेज तरार धोनी ने तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए झट से स्टंपिंग कर दी। फिर नतीजा आप सब लोग जानते ही हैं। वैसे गाइस, क्या आपने धोनी का ये कारनामा देखा है? गाइस, क्रिकेट जगत की सबसे अनलकी या फिर यूं कहें कि चोकर्स टीम साउथ अफ्रीका ही है। ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, बल्कि टीम हर बड़े टूर्नामेंट के बाद इस बात को खुद ही साबित कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बार के T20 वर्ल्ड कप में भी, जब टीम सेमीफाइनल से सिर्फ एक कदम दूर रह गई और वो भी नीदरलैंड जैसी कमजोर टीम से हार कर। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 1992 से क्रिकेट का ऐसा कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं था जिसका हिस्सा साउथ अफ्रीका ना हो, लेकिन अब तक खेले गए 9 वर्ल्ड कप में वो कभी भी चैंपियन नहीं बन सकी। और ताज्जुब की बात यह है कि टीम हर टूर्नामेंट से पहले वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में होती है, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका की टीम जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके ऊपर लगा चोकर्स का ठप्पा और भी गहरा होता जाता है और नतीजन वो किसी भी बहाने टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। वैसे गाइज, आपको क्या लगता है कि क्यों साउथ अफ्रीकन टीम के साथ हर बार ऐसा होता है? गाइज, आज मैं आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ जो सुपर से भी ऊपर है। जी हाँ गाइज, इस डिवाइस का नाम है Asus ZenBook 17 Fold। 17 इसलिए क्योंकि ये 17 इंच का एक फोल्डिंग लैपटॉप है, जिसकी खास बात यह है कि इसके साथ एक कीबोर्ड है जिसे आप इस तरह से रखकर लैपटॉप वाला फील ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसको डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं तो आप इसकी डिस्प्ले को इस तरह से रखकर कीबोर्ड को इसके सामने की तरफ रख सकते हैं, जिससे ये आपके लिए बिल्कुल पर्सनल कंप्यूटर की तरह काम करेगा। वहीं इसके मजबूती की बात की जाए तो आप इसको कितनी बार भी खोलें या बंद करें, ये ना तो ढीला होगा ना ही टूटेगा। वहीं इसकी सबसे खास बात ये है कि ये i7 12th जनरेशन प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी इसका वजन मात्र 1.5 किलो ही है। है ना एक कमाल की चीज। वैसे गाइस, आपको ये ऑल इन वन डिवाइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे ही शानदार गैजेट्स के बारे में जानने के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।